पिछले साल तिलहन और दलहन खासकर सरसों व चना की कीमत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक रही। वही यही कारण है कि किसानों ने सरकारी खरीद केंद्र पर जाने की बजाय अपनी पैदावार को खुले बाजार में बेचना पसंद किया। उपज निजी व्यापारियों के खरीदने के कारण सरकार का स्टॉक खाली रहा, साथ ही बजट से खरीद के लिए आवंटित हुई राशि का काफी कम हिस्सा खर्च हो सका। तिलहन और दलहन की खरीद के लिए हुए बजट में आवंटन से पता चल रहा है कि सरकार को उम्मीद है कि इस बार भी इन फसलों की कीमत MSP से अधिक रहेगी। दलहन और तिलहन की MSP पर खरीद और किसानों को लाभदारी मूल्य दिलाने के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान के तहत तिलहन और दलहन की खरीद के लिए फंड जारी किया जाता है। पिछले साल इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ था, लेकिन सरसों, सोयाबीन, तुअर और मसूर और चने की कीमत MSP से अधिक थी। इस वजह से किसानों ने सरकार को अपनी पैदावार नहीं बेची, जिससे इस अभियान के लिए आवंटित हुए फंड का काफी कम हिस्सा खर्च हो सका। वित्त वर्ष 2021-22 के संशोधित अनुमान के तहत 400 करोड़ रुपए जारी किए गए थे, लेकिन खर्च सिर्फ 1 करोड़ रुपए हुआ। अब सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के तहत सिर्फ 1 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बजट में हुए इस आवंटन पर कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे पता चलता है कि सरकार को उम्मीद है कि पिछले साल की तरह इस साल भी दलहन और तिलहन की फसलों के भाव MSP से अधिक रहेंगे। पिछले साल भाव अधिक रहने के कारण किसानों ने MSP बिक्री नहीं की थी, बाजार में उन्हें समर्थन मूल्य से अधिक कीमत मिल रही थी। इसी वजह से आवंटित बजट 400 करोड़ में से मात्र 1 करोड़ रुपए का खर्च हो सका। कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार को पिछले साल का ट्रेंड देखकर यकीन है कि भाव अधिक ही रहेगा, लेकिन सरकार की योजना कुछ अलग ही भी हो सकती है। विशेषज्ञों ने कहा है कि हो सकता है कि सरकार इस अभियान को खाद्य अनुदान के साथ मिला दे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लेस, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।